हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। तो दक्षिण भारत का इतिहास जो बना था 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का देखते हैं हम। तो इसमें जो है दो काल आते हैं, एक संगम काल और दूसरा संगम काल जो है 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य है। और इसमें तीन प्रमुख वंश आते हैं अर्थात चैर, चोल, पांड्य। दूसरा देखेंगे हम दक्षिण भारत के राज्य वंश, ये माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। जो दक्षिण भारत का इतिहास है, जो प्राचीन काल का इतिहास है, तो ये दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया संगम काल में, दूसरा बांटा गया है दक्षिण भारत के राज्य वंश में अर्थात पल्लव, राजकूट, चालुक्य और चोलों में। और ये बांटा गया चैर, चोल, पांड्य। इनका समय काल है 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी और उनका समय काल माना गया 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी। और जो बीच का काल है था जो 100 वर्ष है तो वो अन्य में रखा। अब देखते हैं संगम काल, इसका मतलब क्या है संगम का। संगम का जो अर्थ है, तो संस्कृत का ये एक शब्द है, संस्कृत संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभा, सभा करना। तो संगम काल का समय 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। साथ ही साथ प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था और इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्यों की रचना की गई है। तो अब इन्हीं तमिल साहित्यों को क्या कहा गया, संगम साहित्य भी कहते हैं। मतलब जो प्राचीन काल में संगम काल में जो कवियों की मीटिंग हुई था, जो कवियों का संगम हुआ, तो उसमें कई सारे साहित्य लिखे गए और उन्हीं साहित्य को जो कहा जाता है तो संगम साहित्य भी कहा जाता है। और तमिल कवियों का एक संगम मदुरै में राज कवि संरक्षण में फला फूला था और इसमें लगभग 9,990 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद क्या हुआ था भाई, तीन संगम आयोजित हुए थे जिसमें लगभग 8,598 कवियों ने भाग लिया था। और इसके जो प्रमुख संरक्षक थे तो लगभग 197 पांडे राजा थे, अर्थात पांडे राजा थे। अब प्रमुख तमिल साहित्य, जो प्रमुख तमिल साहित्य है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो तोल लाक्कीपियम और इसके जो लेखक हैं तो तोल काप्पिया, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो इसमें मा बन्या है और इसमें याड़ा बन्या, बस थोड़ा। देखो तोल काप्पियम के लेखक कौन है, तोल काप्पिया, सिर्फ यहाँ पर रा आ गया मा की जगह, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा था एतु तोगई और पाटू पत्तू और तीसरा है पादी नैन किलन किल नक्कू और ये जो है ये लास्ट वाला पादी नैन किल नक्कू, ये छोटे छोटे अर्थात 18 लघु काव्य है, छोटे काव्य है। साथ ही साथ इसमें महाकाव्य, ये सारे के सारे कैसे काव्य है भाई, जो ऊपर वाले हैं प्रमुख साहित्य, ये छोटे छोटे 18 लघु काव्य है, छोटे छोटे, हालांकि कुछ ही मैंने 2-3 यहाँ लिखे हैं महाकाव्य। अब महाकाव्य कितने थे, नंबर एक शिल्पादि कारम और इसके लेखक कौन है, इलिंगो, ये इलिंगो ने लिखा है महाकाव्य। अगर राइटर का नाम आता है शिल्पादि कारम, किसके किसकी रचना या किसके महाकाव्य है, तो इलिंगो का, इलिंगो ने इसकी रचना की है। दूसरा आता है मणि मैकले और इसके लेखक कौन है, सत्यनार, मणि मैकले के लेखक कौन है, सत्यनार। तीसरा आता शिव गसी दामड़ी और इसके लेखक है त्रुतक देवर, अर्थात ये तीन जो है महाकाव्य है, बाकी क्या है छोटे छोटे लघु काव्य है। इसके अलावा जो तमिल कवियों का जो मदुरै में जो तीन संगम आयोजित हुए थे, तो हम उस संगम को संगम, अब देखो ये जो संगम हुए हैं तो कौन कौन से संगम हुए, तीन संगम हुए, तो कौन सा प्रथम संगम देखते हैं। तो प्रथम संगम जो हुआ था तो ये कहां पर हुआ है प्रथम संगम, प्रथम संगम हुआ था आपका मदुरा में। ये चार्ट के माध्यम से सरलता से आपके समझ में आ जाएगा, चार्ट के माध्यम से इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। तो प्रथम संगम हुआ था मदुरा में, इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य ऋषि और प्रमुख ग्रंथ क्या थे इसमें, परिपाडल, मधुनोर और अकथ्यम कलि
रिपा फिर आदि ये सारे के सारे ग्रंथ क्या हमें पहले वाले संगम में एकत्रित किए गए थे। द्वितीय संगम जो हुआ था तो ये हुआ था कपालपुरम या अलवे में, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि, इसमें अगस्त्य ऋषि है, इसमें अगस्त्य ऋषि और तोलका पियर, अगस्त्य ऋषि और तोलका पियर इस दूसरे वाले संगम के अध्यक्ष थे। इसमें कौन कौन से ग्रंथ थे? अगत्यम, कली और ब्याल माले तथा क्रो, ये सारे के सारे क्या है इसमें ग्रंथ। तृतीय वाले में हम देखेंगे तृतीय संगम में, तो ये हुआ था उत्तरी मदुरा में और इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरल, और ये महाकवि के नाम से भी जाने जाते हैं, नक्कीरल ये महाकवि थे। तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में हुआ था, नक्कीरल के अध्यक्षतम हुआ, महाकवि कहा जाता है इन्हें। साथ ही साथ इसमें जो प्रमुख ग्रंथ थे तो नूत्रेम्बत वरी परिपाडल नत्रियने, ये सारे के सारे तीनों क्या है भाई? तीनों में संगम, इधर क्रम दे दिया, इधर स्थान दे दिया, अध्यक्ष दे दिया और प्रमुख ग्रंथ दे दिए हैं। प्रमुख ग्रंथ दे चला दे। अब देखते हैं हम इसका अगला कहाँ कहाँ है ये सारे लोग। चलो स्टार्ट।